हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज है फ्राइडे और आज ये मैं कहीं पे आई हुई हूँ। अभी मैं और रचित जय बैंक आए हुए हैं किसी काम से। एक बार सुबह आके गए थे लेकिन अभी फिर से हमें आना पड़ा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैंक में क्या है कि हमें पहले से प्रिपेयर होके आना चाहिए, वरना वापस से हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। आज भी मेरा सेकेंड चक्कर हो गया। वो मैं घर जाके आप लोगों को बताऊँगी क्या क्या चीज़ें मतलब स्पेशली रखनी ही रखनी चाहिए जो फर्स्ट या सेकेंड टाइम जा रहे होते हैं बैंक में बस। और अब घर जाती हूँ, पहले रचित को कुछ खिलाऊंगी। हमारे पास में एक बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल खुल गया। अब खाना वाना तो बाद में खाएंगे लेकिन पहले देखे शॉपिंग, देखते क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं है। शॉपिंग करेंगे मस्त वाली। मॉल अभी कुछ नया नया था, अभी लेटेस्ट ही खुला था, तो उसमें मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं लूँ, तो मैं बाहर आ गई। वहीं पे एक चाट पकौड़े वाले भैया हैं, मतलब एक शॉप है उनकी, तो वहाँ से मैं जब भी जाती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ, वो तो सबको पता है जो भी मेरा चैनल देखता होगा, वो सबको पता है कि मैं मार्केट में जब भी जाती हूँ गोलगप्पे तो मेरी फेवरेट है ही है। तो मैं मोस्ट ऑफ मैं वहाँ से खा के आती हूँ। मैं कभी भी बिना गोलगप्पे खाए मार्केट से वापस नहीं आती हूँ। शाम का समय और मैंने चाय भी बाहर से ही बना ली। मैंने सुबह ही कौन अभी घर जाके एक सिंगल के लिए चाय वो बनाएगा, तो ये देखिए चाय आप सब लोग भी पी लो। मैं तो बाहर की चाय पीना, मैं तो अच्छी जगह यहाँ की चाय मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए मैं जब भी आती हूँ तब नहीं, जब भी मूड होता है कि घर की चाय नहीं बनाना तो मैं यहाँ पर आके चाय पी लूँ। रचित ये वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके आई है लेकिन अब मैं लेके तो आ गई। अब कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बियर वियर या एल्कोहल हो उसके अंदर, क्योंकि मैंने शॉप पे तो पूछा नहीं। अब पता नहीं, अब घर जाके देखती हूँ, अगर अच्छे से पढ़ूंगी, अगर एल्कोहल हुई तो वापस रिटर्न करना पड़ेगा वरना को। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस, क्योंकि आज मुझे यहाँ पे कुछ काम था, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने थे बच्चों के लिए। और बस ये वाला देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं होटल वगैरह में तो नहीं आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना बिल्कुल होटल जैसा और बिल्कुल हरियाली हरियाली टाइप का, और अंदर तो बिल्कुल एसी वगैरह चल रहा था। एफिडेविट वगैरह कुछ बनाना था बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए, तो वो अभी तक नहीं बना है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज में फाइनली ये मेरा काम हो गया है, और जब काम हो जाता तो इतना अच्छा लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ी पता हेडेक क्या है कि मैं आ तो गई हूँ लेकिन अब मैं रास्ता में कैसे क्या जाऊँगी, थोड़ा रास्ते में कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। और चलिए अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से, अब घर जाके ही मैं आपसे ब्लॉग लोगों से बात करती हूँ। हाँ तो गाइज़, आज का ये पता है ये ब्लॉग कैसा है, इसको मैंने 3 दिन अलग अलग टाइम में मतलब ये ब्लॉग शूट किया है। एक दिन बैंक का हो गया, एक दिन कलेक्ट्रेट का हो गया, और आज ये थर्ड डे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो काम मुझे करना था वो तो हो ही गया है। और मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि बैंक में आपको मतलब कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा अपने पर्स में, अगर बैंक कलेक्ट्रेट कहीं भी जाओ ना तो थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो आप अपनी आईडी वगैरह तो रखते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी जैसे पेन है, नोटपैड है, और थोड़ी सी फोटोकॉपी, फ़ोटो वगैरह, ये सब तो अपने पास में रखना चाहिए। और बैंक में मेरा क्या हुआ, मैं अपना सिग्नेचर करना ही भूल गई। पहले मैं हिंदी में करती थी, फिर उसको इंग्लिश में कर दिया, और फिर मतलब ऐसे कुछ वो हो गया था। मैंने अपने लास्ट ईयर मैंने अपने साइन चेंज कर दिया था, तो इसके कारण से थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो बस आप लोग भी ये वाली बात ध्यान में रखना कि अगर आप बैंक या कलेक्ट्रेट कहीं जा रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जैसे अपनी एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी वगैरह जो मैं बताई चुकी, नोट पेड पेन, और बस ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो। उससे क्या थोड़े बार बार में जैसे मुझे दो चक्कर करने पड़े ना, वैसे आप लोगों को नहीं करना पड़े। बस यही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं पहले मैं अकेले काम नहीं कर पाती थी, सच ट्रूली बताऊँ, मुझे किसी न किसी का सहारा चाहिए होता, लेकिन अब मैं क्या है, मैं कर लेती हूँ आराम से काम। और बस मैं तो हमारे सारी लेडीज़ से का यही वो मतलब बोलूँगी कि सब लेडीज़ को भी कर लेना चाहिए, ये नहीं कि किसी के भरोसे टिकी रहे। कुछ कुछ लेडीज़ को मैंने देखा वो घर से बाहर तक नहीं निकलती, लेकिन ये है कि करना चाहिए खुद का काम, कॉन्फिडेंस बहुत आता है इससे, और अपन को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। और बस यही है आज की बात। तो आज की नारी सही में
काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, बाहर भी जाके देखती हूँ तो मतलब जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ ही नज़र आ रही थी मुझे कहीं पे भी। तो सच में यार हमारा भारत देश बदल रहा है। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और कल है ही करवा चौथ तो सबको एडवांस में करवा चौथ की बधाइयाँ, और कल मैं भी देखो किस तरह से बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि हम लोगों के राजस्थान साइड में किस तरह मनाया जाता है। चलिए मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।